आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ गिविन क्वेश्चन है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑप्टेंड बाई पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28. एट हैड ही गॉट थ्री मोर मार्क्स

ठीक 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 है, 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 के के मैंने मान कितने कितने पे पे, पे x, और तो y, है. अब हमें हाँ पे क्या दे रखा है द इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज ट्वेंटी एट ठीक है तो इनका जो सम है x प्लस वाई ये इक्वल्स टू कितना ट्वेंटी एट ठीक है अब यहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर इसके जो बेसिकली मैथ में मार्क्स है वो थ्री कम हो जाए ठीक है तो ये मैथ के मार्क्स क्या मैथे एक्स माइनस थ्री ठीक है और जो साइंस के मार्क्स मार्क तो है ये कितना है वन हंड्रेड एंड एट्टी तो हमें फाइंड क्या करना है फाइंड द मार्क्स ऑफ टेंड हिम इन द टू सब्जेक्ट सेपरेटली ठीक है तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि उसके मैथ में कितने मार्क्स हैं और साइंस में कितने मार्क्स है ठीक है तो यहाँ पे हम करेंगे क्या बेसिकली यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ये ठीक है तो अब यहाँ पे ये तो हो गया x minus 3, और y की वैल्यू क्या है ट्वेंटी तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री और ये हो जाएगा 28 एट प्लस फोर थर्टी टू माइनस एक्स इक्वल्स टू वन ठीक है तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू थर्टी टू थर्टी टू एक्स एंड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्सर एंड माइनस थर्टी टू इंटू थ्री थ्री टू जिक्स एंड थ्री थ्री सिक्स और ये माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री एक्स इक्वल्स टू वन हंड्रेड एंड एट्टी ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इस पूरे टर्म को ये चार टर्म्स है इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ठीक है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो अब यहाँ पे ये यह हो जाएगा बेसिकली फाइनली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस थर्टी टू एक्स एंड प्लस 96 सिक्स एंड माइनस थ्री एक्स प्लस वन हंड्रेड एंड एट्टी टू जीरो अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर थर्टी टू एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा माइनस थर्टी फाइव एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स टू जीरो तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिम्पलीफाई करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वा यहाँ पे वन इन टू कॉन्स्टेंट क्या टू हंड्रेड एंड सेवन इनका मल्टीप्लाई कितना यहाँ पे टू हंड्रेड एंड सेवन ठीक है अब टू हंड्रेड एंड सेवनटी सिक्स के हमें ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि उनका सम तो थर्टी फाइव हो और उनका मल्टीप्लाई कितना हो टू हंड्रेड एंड सेवनटी सिक्स ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली क्या लेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम ले लेंगे ट्वेंटी थ्री

एंड प्लस का 276 इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे ले तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ट्वेंटी और यहाँ से हम माइनस का अगर ट्वेल्व कॉमन ले लेंगे ले तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री इक्वल्स टू जीरो ओके तो फाइनली यहाँ पे क्या है एक्स की दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगे हमें तो एक तो फैक्टर इसका हो जाएगा एक्स माइनस ट्वेल्व और दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री इक्वल्स टू जीरो तो एक्स की दो वैल्यू फाइंड होंगी हमें एक तो ट्वेल्व और एक क्या होगी ट्वेंटी थ्री ठीक है तो हम यहां से एक्स की कौन सी वैल्यू हमें लेनी है ये कैसे फाइंड करेंगे तो हम यहां पे देखेंगे अगर हम एक्स की वैल्यू यहां पे ट्वेल्व पुट कर तो अब यहां पे अगर हम एक्स की वैल्यू ट्वेल्व पुट कर दें तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई की वैल्यू यहां से हमें फाइंड होगी सिक्सटीन ठीक है अब यहां पर देखा है एक्स की वैल्यू थ्री कम हो गई तो अब ट्वेल्व में से थ्री हम सब करेंगे कितना हो जाएगा नाइन और y की वैल्यू में फोर ऐड हो गया तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी ओके तो यहाँ पे ये यह बेसिकली कितना हो जाएगा वन एटी ठीक है तो x की वैल्यू यहाँ पे 12 भी हो सकती है ठीक है x की वैल्यू अगर 12 लेंगे हम यहाँ पे तो हमें y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे 16 ठीक है एक तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अब यहाँ पे हम देखते हैं जो x की वैल्यू हमने 23 थ्री यहाँ पे फाइंड किया ये भी पॉसिबल है ठीक है तो अब अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से हम ट्वेंटी लेते हैं ठीक है एक्स की वैल्यू अगर हम ट्वेंटी लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे फाइव ठीक है अब यहां से x की वैल्यू में से अगर मैं थ्री सब्ट कर दू तो ये हो जाएगा ट्वेंटी इंटू वाई की वैल्यू में फोर एड कर दू तो ये कितना हो जाएगा नाइन ठीक है तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना वन हंड्रेड एंड एटी तो ये भी पॉसिबल है ठीक है तो एक कॉम्बिनेशन ये होगा दूसरा हो जाएगा अगर x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ट्वेंटी थ्री है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे फाइव ठीक है तो यहाँ पे ये यह दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे ठीक है तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पे जो x है ये मार्क्स किसमें है